हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त विक्की। गाइस आज है 7 जनवरी और टाइम हो रहा है अभी 8:45, 8:45 हो रहे हैं। और आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं आगरा में रुका हुआ था और रात को निकला हूं। मैं 7 जनवरी की रात को 3:30 निकला हूं मॉर्निंग में वहां से, और 7 यहां पे आ गया। 4 घंटे लगे, समथिंग 3.5-4 घंटे लगे गाइस। अभी मैं पहुंच गया हूँ फरीदाबाद बल्लभगढ़। अब मुझे एक गौरव सर हैं फरीदाबाद में, जिनका होम टूर एंड ट्रेवल है, उन्होंने मेरे को एक पिकअप दिया है बल्लभगढ़ से मुरादाबाद का, जो एकदम परफेक्ट पिकअप है। रेट भी ठीक है, उनने कोई भी कमीशन मेरे से नहीं लिया है और एकदम जेन्युइन बंदे हैं। और मैं कभी हो सका मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तो उन्हें कवर करूंगा वीडियो में, दिखाऊंगा और मिलवाऊंगा आपसे गाइस। तो अभी मैं बल्लभगढ़ में पहुंच गया हूँ, पिकअप 9 है 15 के बाद में, और आज जाना है मुरादाबाद। मुरादाबाद से देखते हैं वापसी कहाँ की मिलती है, मुरादाबाद से डायरेक्ट दिल्ली की मिलती है कहीं और की मिलती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और मेरी पिछली की वीडियो सारी देखें, फिर आपको सारा समझ में आएगा कि मैं किस लिए ब्लॉग बनाता हूं और क्या रीजन है मेरा ब्लॉग बनाने का। मेरा रीजन एक ही है, जो ड्राइवर भाई एक आर्टिका गाड़ी लेना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कितनी इनकम होती है, किस तरह से काम करना चाहिए, कितना रुपया मिलता है, कितना क्या होता है। सारी जानकारी के लिए मैं वीडियो बना के शूट करता हूं और सब ड्राइवर भाइयों की मदद करने की कोशिश करता हूं। गाइस तो अब तक के लिए यही है, मैं पिकअप करने के बाद रास्ते में हो सका तो शूट करूंगा, नहीं तो फिर मुरादाबाद पहुंच के ही शूट करूंगा और फिर बताऊंगा आपको कि मुरादाबाद से कहां गया था। हो सकता है मुरादाबाद से दिल्ली का आ जाए, हो सकता है मुरादाबाद से बरेली या मुरादाबाद से कहीं और। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और मैंने गाड़ी क्लीन कर ली है, गाड़ी साफ हो गई है मेरी एकदम से, मैं गाड़ी भी दिखा देता हूँ आपके लिए। गाइस ये देखो मेरी गाड़ी है, गाड़ी मैंने साफ कर ली है, बाहर से भी दिखा देता हूँ। और मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ में खड़ा हुआ हूँ भाई, गाड़ी एकदम क्लीन हो गई है, एकदम चमचमा रही है चारों तरफ से। तो अभी मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हूँ और मिलते हैं मुरादाबाद पहुंच के। तब तक का अब तक के लिए बस यही अपडेट है, बाकी मुरादाबाद पहुंच के नया अपडेट आएगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस। अब बस अब तक गाइस जैसे कि देख रहा हूँ मैं मुरादाबाद वाला जो ड्रॉप था और बल्लभगढ़ से पिकअप है, वो पिकअप करने जा रहा हूँ और टाइम हो रहा है 8:59, तो तकरीबन मैं 9:01 पे पहुंच जाऊंगा कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर की लोकेशन 350 दिख रही है, बस पास ही में है गुरुद्वारा है यहाँ पे, और वहां जा रहा हूँ मैं बल्लभगढ़ से पिकअप फाइनल होने के बाद, फिर मैं आपको आगे का अपडेट दूंगा। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में गाइस। पिकअप कंप्लीट हो गया है, जैसे कि देख रहे हो कि मैं पहुंच गया हूँ नोएडा सेक्टर 62, नोएडा सेक्टर 62 पहुंच गया हूँ। और मेरे लेफ्ट में है फोर्टिस हॉस्पिटल, राइट में है मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन। अभी आगे से मैं अंडरपास में नीचे जाके और सीधा NH 24 पे आ जाऊंगा, जो कि है दिल्ली मेरठ हरिद्वार और बरेली जाने वाला रोड। अभी गाइस अंडरपास के अंदर हूँ मैं, बस ऊपर जाके और राइट को दबा लूंगा गाड़ी तो पहुंच जाऊंगा सीधा NH 24 पे। सामने साया अपार्टमेंट्स हैं, साया की बिल्डिंग है। गाइस अभी मैं आ गया NH 24 पे और मैं सीधा यहां से जा रहा हूं अब मुरादाबाद। कुछ ही समय में पहुंच जाऊंगा मुरादाबाद, वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और मुरादाबाद पहुंच के बताऊंगा मैं कि मुरादाबाद से अगला पिकअप या अगला बुकिंग कहां का आया है। गाइज ये लेफ्ट में है विजयनगर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। गाइज यहाँ से लेफ्ट लेंगे जो ऑटो जा रहे हैं, तो यहाँ से पहुंच जाएंगे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और हमने जाना है सीधा। गाइज अब यहां से अगर राइट को जाएंगे तो पहुंच जाएंगे मेरठ हरिद्वार, और लेफ्ट जाएंगे तो हापुड़ मुरादाबाद रामपुर बरेली, तो मैं यहां से जाऊंगा लेफ्ट। राइट में जा रहा है रोड हरिद्वार मेरठ, अभी मैंने राइट ले लिया है और मैं सीधा नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से सीधा पहुंच जाऊंगा डासना। अब मिलते हैं 6000 टोल पे पहुंच के, वीडियो में बने रहे गाइस। बरेली 220 किलोमीटर दिख रहा है शायद, ऊपर वाला रोड जा रहा है हरिद्वार।
गाइस पहुंच गए 6000 टोल पे हम, और मैंने एम्बुलेंस वाली लाइन से गाड़ी निकाल दी फटाफट। गाइस अभी टोल क्रॉस कर लिया है मैंने, टोल पता नहीं कटा या नहीं कटा है, आई डोंट नो। गाइस अब मैं फाइनली पहुंच गया हूं मामा के ढाबे पर। अब मैं यहां से लेफ्ट मामा के ढाबा पर थोड़ा नाश्ता पानी करूंगा, और नाश्ता पानी करके फिर निकलेंगे हम और दिखाएंगे आपको मामा का ढाबा हापुड़ वाला। गाइज ये है मामा का ढाबा, सेवा ढाबा मामा यादव। गाइज यहाँ पे भूख वूख तो लग नहीं रही है मुझे, तो थोड़े से बस नाश्ता वास्ता करूँगा। अब मैं बताऊँगा आपको नाश्ते में मैंने क्या किया है, ठीक है गाइज? मिलते हैं नाश्ता करने के बाद में, तब तक वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल। ये है मामा यादव का ढाबा गाइज। नाश्ता मैंने कर लिया है गाइज, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था, एक चाय पी थी और ओनली पकोड़े खाए थे मिक्स, जिसमें पनीर के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े और तरह तरह के पकोड़े थे गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे टोल पे। आज वीडियो कोशिश है मेरी कि लंबी नहीं करूँगा गाइस। तो ये वाले टोल पे पहुंच गया हूँ मैं, और ये टोल लगा है मेरा 55 रुपीस का। और अब मिलते हैं गढ़गंगा पहुंच के। गाइस आगे है राइट साइड में हमारे गढ़गंगा का घाट, और हम गंगा नदी के ऊपर पहुंच गए हैं। लेफ्ट साइड में है ट्रेन का पुल। अभी हम गढ़गंगा नदी के ऊपर चल रहे हैं, फ्लाईओवर बहुत लंबा है और गंगा नदी भी बहुत बड़ी है, ये इसे गढ़ मुक्तेश्वर बोलते हैं। गाइज हम पहुंच गए तीसरे टोल पे, और हम आपको बताएंगे हमारा टोल तीसरा लगा है। गाइज तीसरा टोल क्रॉस कर लिया है, और ये टोल लगा है हमारा 40 रुपए का। गाइज हम मिलते हैं मुरादाबाद सिटी में। गाइज हम पहुंच गए हैं, ले लिया है हमने हाईवे से लेफ्ट, और मुरादाबाद सिटी के अंदर हम जा रहे हैं। अब हम इस कॉलोनी में ले लेंगे लेफ्ट, जो है राइडर का ड्रॉप लोकेशन। अब हम यहां से ले लेंगे राइट, और कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन ओनली है 200 मीटर। गाइस फाइनली पहुंच गए ड्रॉप लोकेशन पे, हम मिलते हैं ड्रॉप करने के बाद। मुरादाबाद, और मैंने ड्रॉप कर दिया कस्टमर के लिए, जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से लेके आया था। उनका दो जगह से पिकअप था, एक था बल्लभगढ़ से, दूसरा पिकअप था बदरपुर बॉर्डर से। दोनों पिकअप करने के बाद, सीएनजी फुल कराने के बाद, और मैं वहां से निकल गया था करीब 10:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 2:26, 2:26 हो रहे हैं, और मैंने फाइनली कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। और अब मैं यहां पे थोड़ा आराम करूंगा, थकान सी हो रही है, थक बहुत जल्दी जाता हूं मैं अब, तो अभी मैं आराम करने जा रहा हूं, कहीं साइड में गाड़ी लगा के सोऊंगा। और ड्रॉप डन हो गया, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ का काम मिलता है, आगे का अपडेट इसके बाद ही देंगे आपके लिए। तो अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब तक के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस पिछले आपने देखा जैसे कि मैं मुरादाबाद आया हुआ हूँ, और 2:30 के आसपास मैंने ड्रॉप कर दिया था राइडर के लिए। तो अभी मैं मुरादाबाद में खड़ा हूँ, टाइम हो रहा है 6:07, और अभी तक कोई भी पिकअप नहीं मिला है मुझे दिल्ली का या कहीं और का। तो गाइस मैंने सारे ग्रुप छान लिए, और जितने भी वेंडर मेरे कॉन्टेक्ट में थे सबको फोन कर लिया है, किसी के पास मुरादाबाद से काम नहीं है अभी तक। तो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली खाली ही जाना पड़ेगा, तो मैं एक राउंड मारता हूँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ, हो सकता है कोई बुकिंग मिल जाए मुझे, या कुछ पैसेंजर मिल जाए जो शेयरिंग में जाते हैं, मतलब सवारी मिल जाए मुझे, तो मेरा खर्चा निकल जाए।
तो अभी गाइस बस यही अपडेट है, मिलते हैं दिल्ली पहुंच के और आपको बताएंगे कि मुरादाबाद से बुकिंग मिली थी या फिर सवारी मिली थी या नहीं मिली थी। तो वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। और बस आर्टिका का काम इस समय पिटा हुआ चल रहा है, ये अच्छी तरह से समझ जाएं। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर के बाद में और दिल्ली पहुंचने के, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा कि मुरादाबाद से खाली आया है, सवारी लेके आया या बुकिंग लेके आया। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। गाइस जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी एक राउंड मारता हूँ और रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड की तरफ कुछ सवारी मिल जाए या फिर कोई बुकिंग मिल जाए। मैं उधर आया था, कुछ भी नहीं दिखा, बिल्कुल सुनसान पड़ा था और कोई सवारी नहीं दिख रही। तो मैं अभी मुरादाबाद में ही रुका हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ दिल्ली सैटरडे संडे बंद है तो दिल्ली जाके भी क्या करूंगा, तो यही रुक लेता हूँ, हो सकता है यहाँ से कहीं और का काम मिल जाए। गाइस तो अभी मैं मुरादाबाद में ही नाइट को रुका हुआ हूँ, टाइम हो रहा है 11:08 रात के और आज है 7 जनवरी। तो अभी मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, कुछ ही देर में आपको मिल जाएगी आई होप। तो बस अब तक का यही अपडेट है, मैं यहीं रुका हूँ, अभी तक कोई बुकिंग नहीं मिली है, ना कोई पैसेंजर ना कोई सवारी। तो मेरे बराबर में 2 गाड़ी और लग रखी है, तो ये भाई भी बुकिंग से आए हैं और ये शायद बेटी कर रहे हैं बुकिंग का, कॉमर्शियल गाड़ी है, दिल्ली नंबर है। तो गाइस बस यही अपडेट है, अब तक कोई बुकिंग नहीं मिली है मुरादाबाद में। आज नाइट मुरादाबाद में रहेगी हमारी और मॉर्निंग कल का 8 जनवरी का कहाँ रहेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है मेरी लाइफ कैसे चल रही है। तो ठीक है, बस जो भी चल रही बढ़िया चल रही है, इनकम विनकम हो नहीं रही है, इनकम नहीं हो रही तो टेंशन ज्यादा है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।